हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान टेक टिप्स में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको WhatsApp की एक ऐसी यूजफुल ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, जो WhatsApp यूजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। दोस्तों हमारे मोबाइल फ़ोन को दोस्तों हमारे फैमिली मेम्बर या दोस्तों कोई फ्रेंड्स ले लेता है दोस्तों, अगर वो हमारे WhatsApp को ओपन करता है दोस्तों, तो हमारे वो चैट को ओपन करके दोस्तों हमारी पर्सनल चैट को पढ़ लेता है दोस्तों। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों, अब जब भी आपका कोई मोबाइल लेगा दोस्तों, अगर आपके WhatsApp की चैट को ओपन करता है दोस्तों, तो ओपन ही नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों आपकी चैट केवल आपके फिंगरप्रिंट स्कैनर से ही ओपन होगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इस ट्रिक को जानना चाहते हैं दोस्तों, आप अपने WhatsApp की चैट पर फिंगरप्रिंट स्कैनर लॉक कैसे लगाएं, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए दोस्तों हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों चैट लॉकर। आपको इसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। इसको ओपन करने में दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ पर हमें एक अपना पासवर्ड सेट कर लेना है दोस्तों। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है दोस्तों, यहाँ पर मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों ओके प्रेस करना है। तो दोस्तों ओके प्रेस करने में दोस्तों हमें एक आसान सा पासवर्ड सेट कर लेना है दोस्तों, यहाँ पर मैं एक आसान सा पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों हमें ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है दोस्तों। सिंपली अब हमें प्लस के आइकन पर क्लिक करना है दोस्तों। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें एक्टिव फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका फिंगरप्रिंट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पर लॉक व्हाट्सएप चैट्स पर क्लिक करना है दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपनी सेटिंग पर पहुँच जाएंगे। यहाँ से आप चैट लॉकर को परमिशन दे देंगे। परमिशन देने के बाद दोस्तों आप फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पर लॉक व्हाट्सएप चैट्स पर क्लिक करेंगे दोस्तों। अब आप अपने व्हाट्सएप पर सीधे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इस पर रीडायरेक्ट होने के बाद दोस्तों आप जिस भी चैट पर लॉक लगाना चाहते हैं दोस्तों, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं इस चैट पर लॉक लगाना चाहता हूँ दोस्तों, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी चैट का नाम दोस्तों यहाँ पर आ गया है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप ग्रुप्स में लॉक लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो इसी तरीके से आप लॉक लगाएंगे। प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, लॉक व्हाट्सएप चैट्स पर क्लिक करेंगे दोस्तों, और सीधे आप व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आप जिस भी ग्रुप में लॉग लगाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस ग्रुप का नाम यहाँ पर आ गया है दोस्तों। अब मैं अपने व्हाट्सएप पर जाकर दिखा देता हूँ दोस्तों कि मेरे व्हाट्सएप की चैट पर लॉक लगा है या नहीं लगा है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस चैट पर लॉक लगाया था दोस्तों। इसको मैं ओपन करूँगा अगर दोस्तों, यहाँ पर जो है पासवर्ड मांगेगा दोस्तों, तो यहाँ पर मैं फिंगरप्रिंट स्कैन करूँगा दोस्तों, तो मेरी चैट जो है ओपन हो जाएगी दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों आप अगर मैं अपना ग्रुप ओपन करूँगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो है मुझे फिंगरप्रिंट स्कैन करना पड़ेगा दोस्तों, तभी मेरी ग्रुप की चैट जो है ओपन होगी दोस्तों। आप पासवर्ड डालकर भी अपनी चैट को ओपन कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इस तरीके से दोस्तों अपने व्हाट्सएप चैट पर दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप पर दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर लॉक लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और दोस्तों बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे होगा क्या, अब मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूंगा दोस्तों, आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा।